हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम संतोष है एंड मैं एक वेलनेस कोच हूँ। वेलनेस कोच का जो प्रोफाइल है उसमें रोज़ मुझे कस्टमर जो आते हैं उनका एक वेलनेस प्रोफाइल बनाना पड़ता है, जिसमें उनके बॉडी फैट एनालिसिस, बॉडी कंपोजिशन का मेजरमेंट करना पड़ता है। उसके लिए मार्केट में बहुत से स्कैनर है, लेकिन मैं आपको एक सुझाव दूंगा कि आप ओमरान कंपनी का स्कैनर यूज़ कीजिए, कराड़ा स्कैन, जिसका नंबर नीचे स्क्रॉल किया जा रहा है। उसका नंबर है HBF375। ओके, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है ओमरान कंपनी का करा स्कैनर। उसमें ऑन ऑफ का एक बटन है, यहाँ पे चार बटन्स है एंड ऊपर चार बटन्स है। ये दो इलेक्ट्रोड है और ये दो इलेक्ट्रोड, ऐसे आठ इलेक्ट्रोड है। एंड बैक साइड अगर आप देखेंगे तो इसको चार सेंसिटिव डिवाइसेस है जिसपे वेट एनालिसिस करता है। तो अब हम देखेंगे कि करा स्कैन कैसे सेट करना है। ओके, ऑन करने के बाद जीरो रीडिंग आ जाएगा। ओके का बटन प्रेस करना है। ओके, ये राइट साइड अगर बटन प्रेस करेंगे तो एज दिखाएगा। पहले कस्टमर की एज सेट कर लेनी है डाउन की से। ओके करने के बाद यहाँ पे ऊपर मेल या फीमेल दिखा रहा है, तो सिलेक्ट करना है जो भी जेंडर रहेगा। एंड उसकी हाइट, कस्टमर की हाइट सेट करनी है। ओके करने के बाद ये जीरो आ जाएगा। फिर से जीरो आने के बाद करा स्कैन सेट कर दिया है हमने। अभी जो कस्टमर है हमारे पास, उनको हम करा स्कैन पे खड़ा करेंगे। एक ध्यान रखिए, ये दो इलेक्ट्रोड है उस पर पूरा हाथ ऐसे आना चाहिए, ढीला पकड़ना पकड़ेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। एंड नीचे जो पैर के नीचे जो चार इलेक्ट्रोड है उस पर भी पैर बराबर आना चाहिए। तो अभी हम कस्टमर का रीडिंग लेंगे। रीडिंग आने के लिए आपको हार्डली 30 सेकंड लगते हैं। एक बार वो बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस करेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि उसको रिपोर्ट कार्ड पे कैसे मेंशन करना है, कैसे लिखना है। ओके, रीडिंग आ गया। थैंक यू सर। ओके, ये पहली कस्टमर का वेट आ गया। वेट आने के बाद अभी ये जो 26.6 दिखा रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है टोटल फैट के कॉलम में उसका रीडिंग लिखना है। फिर से बार ओके दबाएंगे तो यहाँ पे दिख रहा है विजरल फैट में कॉलम में लिखना है। ये ओके बटन दबाने के बाद अभी उसका आरएम लेवल दिखा रहा है, रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट। फिर से एक बार ओके बटन दबाना है तो आपको बीएमआई दिखाई देगा। फिर से एक बार ओके दबाने के बाद उसकी बॉडी एज दिखाई देगी। एंड अभी ओके दबाने के बाद फिर से वेट आ जाएगा। अभी हमें उसके एरिया स्कैन बटन, जो ऊपर बटन है, ये बटन प्रेस करना है। उसे प्रेस करने के बाद आपको दिखाई देगा सब कुटनेस फैस होल बॉडी, तो होल बॉडी का मेंशन करना है। उसके बाद आप ओके एरिया फैट का बटन दबाते जाइए। ये बाकी के एरिया के भी आपको टोटली रिजल्ट दिखाएगा। बाद में स्केलेटल मसल दिखाई देगा, होल बॉडी 31.0 ये अपने को लेना है। ओके, स्कैनिंग तो कंप्लीट कर ली। अभी मैं कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएँ देना चाहूँगा स्कैनिंग के बारे में। करा स्कैन बहुत डेलिकेट चीज़ है, तो अगर आप चेक करना चाहते हो तो एक फॉर्म बेस होना चाहिए, स्टब बेस ना। उस पर आप कभी गीली मिट्टी पे या ग्रास पे या गालीचे रहते उस पर चेक नहीं करना है। बाद में उस पर गीले पैर पे नहीं खड़ा रहना है। जिनकी उम्र 80 के ऊपर है वो स्कैनर पे रीडिंग नहीं दिखाता है। बाद में जिनके शरीर में पेस मेकर या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सेट किया गया है उनको भी स्कैनर पे खड़ा नहीं करना है। उसके बाद जो प्रेग्नेंट है, जो लेडीज़ प्रेग्नेंट है, उन्हें भी ये डिवाइस पे ऊपर खड़ा नहीं करना है। बस इतना ही अपने को उसके बारे में केयर लेनी है। अगर आप बाहर कहीं पे लगाते हो ओपन कॉरिडोर में, तो कंपल्सरी आप इसके नीचे एक प्लाई का जो पीस रहता है वो यूज़ कर लीजिए, तो उसका रीडिंग परफेक्ट आएगा। सो फ्रेंड्स, ये हो गया करा स्कैन के बारे में हमने इंफॉर्मेशन दी। अभी ऐसे ही वीडियो अगर आप चाहते हो तो मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड जो बेल आइकॉन दिखा रहा है उसको क्लिक कीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे कि जब भी मैं कोई नया वीडियो आपको पोस्ट करूँगा उसको आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। सो धन्यवाद, आपने मेरा वीडियो देखा।